Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the differentiation of germ layers. So please press the bell icon and subscribe the channel so that you get the notification whenever I upload the video. So now we are going to start. सबसे पहले हम पढ़ेंगे formation of neural tube कि हमारी neural tube कैसे form में होती है. तो जो हमारी neural tube जब भी differentiate करेगी तो वो वेरियस रीजन ऑफ CNS में जो है वो डिफरेंशिएट करती है, और थ्री डिफरेंट वेज में जो है हमारी वो डिफरेंशिएट करती है. अगर हम एनाटॉमिकल लेवल पे देखें तो जो हमारे न्यूरल ट्यूब और उसके जो ल्यूमन है वो हमारे ब्रेन के चैम्बर और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो फॉर्म कराती है, जबकि टिश्यू लेवल पे जो है हमारे वो रीअरेंज कराती है टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शनल रीजन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एनाटॉमिकल लेवल पे वो चैम्बर्स बनाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, टिश्यू लेवल पे वो रीअरेंज करेगी उनके फंक्शनल रीजंस को, सेलुलर लेवल पे क्या करेगी जो हमारी न्यूरल ट्यूब है वो हमारे न्यूमरस टाइप ऑफ नर्व सेल और सपोर्टिव सेल में जो है वो डिफरेंशिएट होती है. तो जो है हमारी अर्ली डेवलपमेंट है ह्यूमन ब्रेन की वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है. तो लेकिन ये ह्यूमन ब्रेन जो है हमारे वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. सबसे पहले हम उसके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं न्यूरल ट्यूब के. तो जो हमारा अर्ली मैमेलियन ट्यूब है डैट इज़ आर न्यूरल ट्यूब, वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है. जब हमारा पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो फॉर्म नहीं होता उससे पहले एंटीरियर जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाता है अपने अंदर, यानी कि वो हमारे तीन रीजन्स में जो है वो डिवाइड करेगा, डैट इज़ आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन. इन तीनों रीजन्स में जो हमारा वो न्यूरल टेप ट्यूब जो है वो डिवाइड करता है जब तक हमारी पोस्टीरियर पोर्शन फॉर्म नहीं होता तब. तो जो हमारा पोस्टीरियर एंड जो है वो क्लोज मतलब फॉर्म्ड हो गया, सेकेंडरी बल्जेस जो है उसने दे दिए यानी कि ऑप्टिक वेसल्स, और वो हमारा जो है वो लेट कर गया सॉरी सेकेंडरी बल्जेस दैट इज आर ऑप्टिक वेसल्स जो है हमारे वो बन चुके हैं फ्रॉम दी डेवलपिंग फोरब्रेन. ये अब हम कहाँ से बनाते हैं, हमारे ऑप्टिक वेसल्स जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे डेवलपिंग फोरब्रेन से जो हमारे वो डेवलप होते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि हाँ कैसे फोरब्रेन क्या करता है और वो क्या करता है. तो फोरब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं. प्रोजेंसेफेलॉन जो है हमारा वो एंटीरियर टेलेंसेफेलॉन और मोर कॉर्डल डायनसेफेलॉन में जो है वो डिवाइड करेगा, यानी कि वो टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में जो है वो डिवाइड कर गया. टेलेंसेफेलॉन जो है हमारा वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएगा, जबकि डायनसेफेलॉन जो है हमारे वो ऑप्टिक वेसिकल्स बनाएगा जो आगे जाके रेटिना बनते हैं और थैलमिक और हाइपोथैलमिक रीजन्स बनते हैं. तो यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन जो है हमारा वो किस में डिवाइडेड हुआ, टेलेंसेफेलॉन में और डायनसेफेलॉन में. टीलन जो सेफलॉन है वो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर बनाया, जबकि जो डायनसेफेलॉन है वो हमारे ऑप्टिक वेसिकल्स बनाएगा जो आगे जाके रेटिना बनेंगे. मीजेनसेफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन, ये जो हमारा ये डिवाइड नहीं करता एज इट इज़, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा सेरेब्रल एक्वेडक्ट में जो है हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा. फिर है हमारा थर्ड पार्ट डैट इज़ आर हिंड ब्रेन और रोम्बोसेफेलॉन. रोम्बोसेफेलॉन जो है हमारा ये डिवाइड करेगा इंटू पोस्टीरियर माइलनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन, यानी कि वो किस में कर रहा था हमारा फोर ब्रेन और प्रोजेंसेफेलॉन, वो हमारा कर रहा है टेलेंसेफेलॉन में और डायनसेफेलॉन में. मीजेनसेफेलॉन हमारा किसी में डिवाइड नहीं कर रहा. रोम्बोसेफेलॉन जो है हमारा वो पोस्टीरियर माइलनसेफेलॉन और मीटेनसेफेलॉन में जो है वो डिवाइड कर रहा है. माइलनसेफेलॉन जो है हमारा वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बनाएगा, जबकि मीटेनसेफेलॉन जो हमारे वो सेरेब्रम को राइज करेगा. यानी आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, रोम्बोसेफेलॉन डिवाइड करेगा माइलनसेफेलॉन में और मीटेनसेफेलॉन में, माइलनसेफेलॉन जो हमारा वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बनाएगा, मीटेनसेफेलॉन जो हमारा वो सेरेब्रम बनाएगा. इसी तरीके से आप जो फोर ब्रेन है यानी आप प्रोजेंसेफेलॉन उसका भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो आपको आपको इजीली रिमाइंड रहे. तो ये जो पैटर्न है हमारा नर्वस सिस्टम का, इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो हॉक्स जीन है वो जो है वो इन सबको कंट्रोल करता है कि सब जो है वो उसी में बने जिसमें उनको आगे फॉर्म करना है, ताकि कोई गलत फॉर्मेशन ना हो जाए. अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फॉर्मेशन पे, डैट इज़ आ फॉर्मेशन ऑफ आई. ये जो हमारा ये मेजर सेंसरी ऑर्गन होता है हेड का, जो कि हमारा डेवलप करता है फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब विथ सीरीज ऑफ एपिडर्मल थिकनिंग्स, यानी कि ये हमारा मेजर, ये सबको पता है ये मेजर सेंसरी ऑर्गन है हमारा हेड का, ये डेवलप कैसे करता है, ये जो हमारे न्यूरल ट्यूब्स हैं
ये हमारे किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एपिडर्मल थिकनिंग्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी, जिसको हम बोल देते हैं एक्टोडर्मल प्लाकॉड्स। जो हमारे एपिडर्मल थिकनिंग है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एक्टोडर्मल प्लाकॉड्स। इनके साथ जो हमारा न्यूरल ट्यूब है वो इंटरेक्ट करेगा। तो जो हमारी एक्टोडर्मल प्लाकॉड्स हैं ये हमारी मोस्टली क्या फॉर्म कराती हैं, न्यूरॉन्स और सेंसरी एपिथीलिया, यानी कि हमारी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं को जो है वो मोस्टली फॉर्म कराती है। तो हमारे टू ऑल्फैक्ट्री प्लाकॉड्स जो है वो तो बनाएंगे हमारे नेजल एपिथीलियम, यानी ऑल्फैक्ट्री प्लाकॉड्स हमारा किसका पार्ट है, एक्टोडर्मल्स के ही पार्ट्स हैं। तो ये जो दो ऑल्फैक्ट्री प्लाकॉड्स हैं वो तो हमारा नेजल एपिथीलियम बना देंगी। फिर जो हमारे बाकी दो ऑप्टिक जो है वो क्या बना देंगे, हमारा ईयर का जो इनर लैबरिंथ होता है वो फॉर्म कर देंगे। लेंस प्लाकॉड जो हमारे वो ट्रांसपेरेंट लेंस बना देगा, जो कि हमारी लाइट को जो है वो रेटिना में एंटर करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये जो इंट्रैक्शन होती है हमारी बिटवीन दी सेल्स ऑफ लेंस प्लाकॉड एंड प्रिज्मेटिव रेटिना, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं बाय किसके थ्रू, रेसिप्रोकल चेंज के थ्रू। मतलब काफ़ी सारे रेसिप्रोकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से जो है इनके बीच में जो है वो इंट्रैक्शन होती है लेंस प्लाकॉड और रेटिना के बीच में। अब इसकी डायनेमिक्स क्या क्या है, मतलब कैसे ये जो है हमारे वो सब होता है। तो जो हमारी गैस्ट्रुलेशन हो रही है उस टाइम पे जो हमारा एंडोडर्म और मीजोडर्म जो इंट्रैक्ट करेगा हेड एक्टोडर्म से, वो हमारा जो है वो लेंस फॉर्मिंग बायस को जो है वो फॉर्म कराता है। यानी कि हमारा एंडोडर्म और मीजोडर्म इंट्रैक्ट करे एक्टोडर्म से हमारे हेड के, तो उस टाइम पे हमारी जो लेंस फॉर्मिंग बायस है वो जो है वो फॉर्म्ड होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे हेड एक्टोडर्म जो है वो हमारे वो लेंसेज ही बनाए, वो बाकी जो पोर्शन है वो भी बनाते हैं। तो जो हमारी पोजीशन है लेंस की रिलेशन टू रेटिना, वो कौन एक्युप्लेश कराते हैं, हमारे ऑप्टिक वेसल्स। यानी एंडोडर्म और मीजोडर्म जब हमारे हेड एक्टोडर्म से इंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे लेंस फॉर्मिंग बाइस बनेंगे। अब ज़रूरी नहीं है सारे ही हमारे लेंसेज बनाए हेड एक्टोडर्म। तो अब इसकी जो पोजीशन है लेंस की रेटिना के रिलेशन में, रेटिना तो हमारे प्रोन्सेफ्लॉन से बन रहा है ना, तो इसकी जो पोजीशन है रेटिना के, लेंस की जो पोजीशन है रेटिना के उसमें, वो कौन एक्यूप्लेश कराता है, हमारे ऑप्टिक वेसल। यानी ऑप्टिक वेसल जो है वो ध्यान रखेंगे कि जो पोजीशन है वो एक्यूरेट हो एकदम। फिर जो हमारे डायनसेफ्लॉन है वो जो हमारे वो एक्सटेंड करते हैं और हमारे हेड एक्टोडर्म को मीट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कराएंगे, लेंस प्लाकॉड्स की। यानी हमारा डायनसेफ्लॉन एक्सटेंड करा हेड एक्टोडर्म से मीट हुआ, फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारे लेंस प्लाकॉड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हमारे ऑप्टिक कर्व्स बनने लग जाएंगे जो हमारे दो डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे। आउटर लेयर जो है हमारी वो मेलानिन पिगमेंट बनाएगी और रेटिना को पिगमेंटेड कराएगी, जबकि जो इनर लेयर सेल है वो हमारी रेपिडली प्रोलिफरेट करेगी और वेराइटी ऑफ गैंग्लियन, इंटर न्यूरोन्स और लाइट सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर न्यूरोन्स जो है वो बनाएगी। यानी कि जब हमारा लेंस प्लाकॉड बन गया उसके बाद हमारे ऑप्टिक कप बनेंगे। ऑप्टिक कप हमारे दो डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। आउटर लेयर जो है हमारे वो मेलानिन पिगमेंट बनाएगी और पिगमेंटेड रेटिना, जबकि जो इनर सेल लेयर है वो हमारे गैंग्लियॉन्स में, इंटर न्यूरॉन्स में और बाकी जो फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं उनमें जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएगी। तो ये जो सेल्स हैं ये हमारे न्यूरल रेटिना को जो है वो बनाते हैं। अब हमारे जो रिटिनल गैंग्लियॉन सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारे वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो ब्रेन को सेंड करते हैं, जो कि हमारे आई को मीट करेगी और ट्रेवल डाउन ऑप्टिक स्टॉक विच देन कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। यानी कि ऑप्टिक नर्व जो हमारे वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कराती है ब्रेन टू आई। तो इस तरीके से जो है वो पूरी डेवलपमेंट होती है आई की। अब हम आ जाते हैं एपिडर्मिस एंड ओरिजिन ऑफ क्यूटिनियस स्ट्रक्चर, कि हमारी स्किन जो है वो कैसे फॉर्म होती है। अब हमें पता है कि स्किन जो हमारी वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जितने भी कंपाउंड है हमारे लोअर डर्मिस एंड आउटर डर्मिस ये जो हमारी स्किन बनाने में हेल्प करते हैं। एपिडर्मिस जो हमारी वो ओरिजिनेट कहाँ से होगी, हमारे एक्टोडर्मल सेल से जो है वो ओरिजिनेट होगी, जो कि किसको कवर करती है, एम्ब्रियो को जो है वो कवर करती है आफ्टर न्यूरेलेशन। यानी कि जब हमारी ये फॉर्मेशन हो गई उसके बाद जो ये हमारी एक्टोडर्मल सेल्स की जो कवरिंग है, जो एम्ब्रियो को जो है वो कवर करती है, वो जो आगे जाके क्या बनाएगी, हमारी एपिडर्मिस यानी कि स्किन। टिश्यू जो हमारे हैं हमें पता है वन सेल लेयर थिक होते हैं, जबकि जो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैं उनमें टू लेयर स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर जो है हमारी वो पैरिडर्म को राइज करेगी, इनर लेयर जो क्या करती है हमारे प्रोलिफरेट कराएगी सेल्स को टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, की वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो अटैच हूँ। तो जो हमारे एपिडर्मल स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे अपर लेयर को जो है वो
रिप्लेस करा सकते हैं एपिडर्मिस की, यानी अगर हमारी स्किन पे कोई डैमेज हो गया तो हमारे अंदर एपिडर्मल स्टेम सेल्स होते हैं, वो क्या करा सकते हैं, वो उसको रिपेयर करा सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं एक तरीके से। तो जो हमारे एपिडर्मल स्टेम सेल्स हैं ये हमारे एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं, डॉटर सेल्स जो हमारी वो बेसल लैमिना से ही अटैच रहेगी, जो स्टेम सेल्स रिमेनिंग स्टेम सेल्स हैं उनसे जो इनकी डॉटर सेल्स जो हैं वो उन्हीं से अटैच रहेंगे। जैसे जैसे हमारे सेल जो है वो डिवाइड करते हैं फ्रॉम बेसल लेयर, यंगर सेल्स प्रोड्यूस होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, हमारे वो जो ओल्डर सेल्स हैं हमारे स्किन पे उनको जो है वो हटा देंगे और खुद जो है वो वहाँ पे लग जाएंगे। तो ये जो हमारी प्रोलिफरेटिव एबिलिटी है बेसल लेयर की वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है कि ये हमारे सेलुलर मटेरियल को जो है वो सप्लाई कर सकती है, कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस कर सकती है 1 to 2 square meters, यानी कि अगर कोई इशू हो गया, कुछ लग गई तो ये इजिली, ये इसकी एक कैपेबिलिटी है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल मानी गई है। काफ़ी ग्रोथ फैक्टर जो है हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस। सबसे पहला जो है हमारा वो होता है ग्रोथ फैक्टर अल्फा, डैट इज़ आर TGF-alpha। ये जो है ये इन्वॉल्व होता है हमारा इस सब को ट्रांसफॉर्म कराने में स्किन को। दूसरा जो फैक्टर होते हैं हमारे वो होता है हमारा केराटोनाइसाइड ग्रोथ फैक्टर KGF, या फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 7 FGF-7। ये जो हमारे ये फैक्टर होते हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट कराते हैं एपिडर्मिस की या फिर स्किन की। तो ये थी हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म लेयर्स, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।